सो गाइस देख रहे हो सामने कैसे बादल बादल से नीचे आए हुए हैं। ये वैसे बादल नहीं आए, ये पूरा कोहरा है जो बादलों के साथ चल रहा है। और मेरा वैसे आज कहीं जाने का प्लान था, सोचा था आप लोगों को घुमाऊंगा, लेकिन बट ये जो बारिश है और लाइट बिल्कुल भी नहीं है, फ़ोन चार्ज नहीं है, तो कैसे होगा बताओ। लेकिन हम मार्केट जा रहे हैं अभी, बड़ी मुश्किल से गाड़ी कहीं से आ रही है, जुगाड़ करके लगाया है तो गाड़ी मिल रही है, तो जा रहे हैं उससे थोड़ा बहुत यहीं पे पास में एक मार्केट कांडा खाल, तो वहाँ तक जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ नीचे से हम ऊपर आ गए, सांस बहुत फूल रही है और यहाँ खड़ी हमारी गाड़ी दिख रही होगी आपको ऊपर भाई का। सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात उत्तराखंड की वादियों से। और दोस्तों आज है 1 तारीख और जो मॉर्निंग के ना 6:30 बज रहे हैं, और यहाँ पे जो लगे ना इतनी तेज़ बारिश लग रही है, यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और ये जो बारिश है ना, ये कल से ही हो रही है, कल सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पे, तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और लाइट भी यहाँ पे कल से है ही नहीं, कल से बिल्कुल लाइट नहीं है, और फ़ोन जो है ना हमारे बिल्कुल डेड हो चुके हैं, कैमरा बिल्कुल डेड हो चुका है। तो ये मौसम है यहाँ का, देख लीजिए बहुत ही भाई ख़तरनाक मौसम हो रहा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना। मतलब मई मंथ में जो है उत्तराखंड में हम रज़ाइयाँ ओढ़ रहे थे, कल मैंने आग भी तापी है, तो मतलब इतना ख़तरनाक ही मौसम हो रहा है। और मेरा वैसे आज कहीं जाने का प्लान था, सोचा था आप लोगों को घुमाऊँगा, लेकिन बट ये जो बारिश है और लाइट बिल्कुल भी नहीं है, फ़ोन चार्ज नहीं है, तो कैसे होगा बताओ। और ये फ़ोन भी कुछ देर में डेड हो जाएगा, तो मेरी व्लॉगिंग भी है ना जो आधे पे रह जाएगी आज, पता नहीं कब तक लाइट आएगी। और मौसम देख रहे हो कितना ख़राब ही है, मैंने कहा जब तक फ़ोन चल रहा है तब तक आपको अपडेट दे देता हूँ। यहाँ पे तो मैं दिखाऊँ आपको, मैंने पहले भी ये बाहर दिखाया ना, यहाँ पे देखो कितने कोहरा आ गया, देखो यहाँ पे कितना कोहरा आ चुका है, और सामने देखो भाई कितना कोहरा आ चुका है, देखो ये पूरे पहाड़ एकदम क्लियर दिखते थे, ये पूरा कोहरा देखो कितना सारा कोहरा, ये पूरा कोहरा ही आ रखा है, पूरे पहाड़ को पूरा ढक दिया, ऐसा लग रहा है पूरा बादल से नीचे आ गए। सो ऐसा लग रहा है अभी कि जैसे हम अभी बादल में हैं, बारिश जो हो रही है ना आपके लिए, मैं ब्लॉगिंग बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी बारिश में आ गया। और ये जो बारिश है ना बिल्कुल रिमझिम रिमझिम वाली बारिश है, लेकिन इतनी ठंडी बूंदें हैं इनकी, और इतना ठंडा माहौल कर दिया उन्होंने, पूछो मत, लेकिन क्या करें। और इसी के कारण यहाँ पे लाइट भी नहीं है, तो ब्लॉगिंग जो होगी आगे की कैसी होगी ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। और हमारा जो प्लान था आज जाने का, मुझे लग रहा है वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है, हो ही गया वैसे कैंसिल, तो क्या ही बताएं। और यहाँ पे ठंड वाला फीलिंग आ रहा है, देख रहे हो मुँह से एकदम हवा भी निकल रही है, धुआं बन रहा है, जैसे दिल्ली में सर्दियों में बनता था ना, तो दिल्ली में जितनी सर्दियों में भी ठंडी होती थी ना, उतनी अभी है यहाँ पे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, वीडियो को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर मेरे उत्तराखंड ब्लॉग्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं ना, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं या अप्रिशिएट कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। मेरा गांव जो है ये आपको कैसा लग रहा है, इतना प्यारा गांव, मतलब क्या ही बताएं। अगली बार से लेकिन पूरी तैयारी करके आएंगे और ज़्यादा, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि इतनी ठंड होने वाली है यहाँ पे, ये तो ठंड ऊपर से बारिश और लाइट भी नहीं है, मतलब इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। चलो क्या करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगर ये कैमरा अगर चलता है तो आगे तक, नहीं तो फिर यहीं पर डन हो जाएगा, बाकी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में अगर लाइट आती है तो, बाय तब तक। सो गाइस देख रहे हो सामने कैसे बादल बादल से नीचे आए हुए हैं, ये वैसे बादल नहीं आए, ये पूरा कोहरा है जो बादलों के साथ चल रहा है, पूरे जो पहाड़ है ढके हुए हैं, यहाँ से देखो कैसे जा रहे हैं, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा देखो कोहरा ही कोहरा है पूरे चारों तरफ, यहाँ पे भी था अभी यहाँ से, लेकिन हट चुका है। 5 hours later. सो गाइज अभी हो रहे हैं टाइम दिन के 4:45 हो रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं, और स्टिल यहाँ पे बारिश बरकरार है, और अभी तक कुछ नहीं कर पाए हम, जाने का प्लान था कहीं लेकिन नहीं हो पाया, और क्या ही बताएं। लेकिन हम मार्केट जा रहे हैं अभी, बड़ी मुश्किल से गाड़ी कहीं से आ रही है, जुगाड़ करके लगाया है तो गाड़ी मिल रही है, तो जा रहे हैं उससे थोड़ा बहुत यहीं पे पास में एक मार्केट कांडा खाल, तो वहाँ तक जा रहे हैं।
बाकी आप मौसम देखिए कितना ही बहुत ही ज़्यादा भयंकर मौसम हो रहा है यहाँ पे। और लाइट जो है अभी दिन में आई थी, तो थोड़े बहुत फ़ोन जो हमने चार्ज कर लिए, पावर बैंक वगैरह लगे हुए चार्ज पे। तो गाइस यहाँ नीचे से ऊपर आ गए, साथ बहुत फूल रही है और यहाँ खड़ी हमारी गाड़ी दिख रही होगी आपको ऊपर, भाई काफ़ी जान लगती है ऊपर आने में। हो भाई गाइस पहुँच गया गाड़ी गिरी और बैठ के हम गाड़ी में जाएंगे। तो गाइस चल तो गए हम यहाँ से कांडा खाल की तरफ। थोड़ी देर बाद जैसे हम चलेंगे आगे तो ठीक हो जाएगा सर। सो गाइस आ गए हम यहाँ की जो मार्केट है कांडा खाल मार्केट, पहुँच गए यहाँ पे और यहाँ से सामान लेते हैं जल्दी और उसके बाद फिर निकलते हैं वापसी के लिए। तो फिलहाल जो भी हमें मार्केटिंग वगैरह करनी है हम ले लेते हैं, देन उसके बाद निकलते हैं वापसी की ओर। तो गाइस ये है यहाँ की मार्केट, वैसे ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, यहाँ की छोटी मार्केट है लेकिन मिलता है यहाँ पे सभी कुछ है काफ़ी चीज़। पहले हमें यहाँ से सामने परचून की दुकान है, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं हमने और यहाँ पे है थोड़ी सब्जी वगैरह अगर लेनी चाहें तो सब्जी वगैरह यहाँ से ले सकते हैं, ये सब्ज़ी की मार्केट है। ये थोड़ी परचून की चाय वगैरह पी सकते हैं, यहाँ पर सभी चीज़ की दुकान यहाँ पर मिल जाती है। सो गाइस मार्केटिंग वगैरह हमने कर ली है, मौसम देख रहे हो क्या खतरनाक हो रहा है, तो अब चलने वापस घर की ओर, काफ़ी ठंडा मौसम हो गया। सो गाइस हमने यहाँ पे जो मार्केटिंग वगैरह कर ली है, सामान वगैरह ले लिया है और अब चल रहे हैं वापस घर की ओर। मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है, बहुत ठंड हो रही है, बहुत कोहरा लग रहा है और चलते हैं अभी और फिर बाकी बातें आगे। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम मामा जी के घर के ऊपर पहुंच चुके हैं और टैक्सी जो है हमारी जा चुकी है और मतलब दो घंटे का मतलब ये सफ़र था पूरा, एक मतलब उधर जाना फिर उधर से सारा परचेजिंग वगैरह करके फिर अभी पहुंचे हैं घर के ऊपर। अब यहाँ से पैदल पैदल नीचे जाएंगे, तो भाई ठंड बहुत लग रही है यहाँ पे, ठंड बहुत बढ़ चुकी है। अब चलते हैं नीचे की ओर और नीचे चलते हैं, आराम से चलते हैं, सामान बहुत सारा पड़ा हुआ अपने पास तो इसलिए सीधा आपको नीचे जाके ही मिलते हैं। ठीक है दोस्तों।